खबर किसानां नाल जुड़ी हुई है। सब तो पहला गल करदे आं किसानां दे वड्डे प्रदर्शन की। हिसार च किसानां वल्लों सरकार खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। लाठीचार्ज करन दे विरोध दे विच किसानां वल्लों इह वड्डा प्रदर्शन किया जा रहा है। किसान आगू राकेश टिकैत भी प्रदर्शन दे विच शामिल होए ने। प्रदर्शन के मद्देनज़र हिसार पूरी तरह पुलिस छावनी दे विच तब्दील कर दिता गया है। पुलिस के वलों 50 तो ज़्यादा कंपनियां मौके पर तैनात की गई ने ता जो किसी भी किस्म की अनसुखावी घटना ना वापरे। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। हिसार दियां तुहानू असीं एक्सकलूसिव तस्वीर विखा रहे हैं। बड़ी गिनती दे विच किसान इन्हां तस्वीरां विच नज़र आ रहे ने। दरअसल हुण तुहानूं दसदे आं पूरा मुद्दा की है। बीते दिनी जदों हरियाणा दे मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हिसार पहुंचे ने तां किसानां दे वल्लों उन्हां दा घिराओ करन दी कोशिश कीती जांदी है। इस दौरान पुलिस वल्लों किसानां ते लाठीचार्ज कीता जांदा है। अथरू गैस दे गोले छड्डे जांदे ने ते कई किसानां ते मामला भी दर्ज कीता गया सी। इसे कारवाई दे विरोध दे विच अज किसानां दे वल्लों हिसार दे विच इक वड्डा प्रदर्शन कीता जा रहा है। किसान लगातार किसानां दे उपर होए पर्चियां नूं रद्द कराउण दी मंग कर रहे ने। मुझे बताइए कि अभी किसान इकट्ठा होना शुरू हो चुके हैं, प्रशासन की तरफ से भी पूरी तैयारियां की गई हैं। आप लोगों की मुख्य मांग क्या है और अभी आगे का रुख देखते हुए आपको क्या लगता है कि बातचीत का जो न्योता दिया गया, क्या बातचीत के लिए तैयार हैं आप लोग? देखो जी, पहली बात तो मैं ये बता देना चाहता हूँ कि बातचीत का हमें कोई न्योता नहीं मिला। छोटे अधिकारियों द्वारा मतलब ये कहा गया बातचीत कर लो, किससे करें। हमने कहा कि अगर प्रशासन हिसार का बातचीत चाहता है तो हमें स्थान और नियुक्त कर समय और स्थान निर्धारित कर हमें रिटर्न में दिया जाए ताकि हम बातचीत कर सके। ऐसा कोई मैसेज नहीं है। अगर प्रेस के अंदर ये बर्मिक प्रचार कर रहे हैं, आपके पास हो तो मुझे पता नहीं, किसी किसान नेता के पास ऐसा नहीं आया है। दूसरी बात ये कहना चाहता हूँ कि हमारी तो वही तीन मांग है, इनसे तो हमारी लड़ाई ही नहीं है। हरियाणा गवर्नमेंट तो धक्के से अपने आप बैल मुझे मार वाली पॉलिसी अपना रही है। हमारी मांग है तीन काले कानून केंद्र सरकार वापिस ले, फसल खरीद की गारंटी का कानून बने, पर ये बीच में वो चौमासम को आप जैसा बड़ा जमींदार घोड़ी का खुर समरू आते हैं वो समरुआ रहा था तो मिंडकी ने भी पैर निकाला कि मेरे भी तंदाल लगा दिया। लोहे का तंदाल लगता था, आजकल तो घोड़ी नहीं रही, आप जैसे एक आदमी के पास मिलेगी 15-10 कोस के अंदर। तो ये खट्टर साहब भी उनकी अपनी अमेज बनाने के लिए मतलब 16 तारीख को यहाँ किसका स्थल है ये बताया जाए, कितने बेड है ये बताया जाए, वहाँ एक नर्स तक नहीं है इनके पास, क्रोसिन की गोली बुखार उतारने के लिए नहीं है। 30 करोड़ रुपए की लागत बता दी, हमारा पैसा लूटने के लिए जो है कि दूसरे लोगों को जिंदल जैसे लोगों को दे दिया। हम वहाँ लड़ाई लड़ने के लिए नहीं जा रहे थे, हम कहे थे आप हरियाणा के अपने मालिक हो, हम आपकी जनता है, हमारी भी सुन लिए। तो मैं ये टोल से हम चलकर जा रहे थे, परंतु वो जा चुके थे। यहाँ जो अपने आप को राज का खासा समझता है, ये राणा साहब के क्या नाम है इसका DIG का बलवान, हाँ जी बलवान सिंह, हाँ जी, वो न्यू वाला में तेरा खट्टर खसम का अनगा तो थोपड़ा तोड़ दूंगा, मैं इनकी रग जानू छू, मैं भी मतलब असली वो ही छू जो ये चीज करते है, लकड़े है। और वो राजकर खट्टर का रिश्तेदार बनन खातर DGP बनन खातर, और जो है इन्होंने जो है किसानों के ऊपर और किसानों के ऊपर नहीं, किसान महिलाओं पर जो बपरतापूर्वक लाठीचार्ज किया उसकी हम मतलब जो है की निंदा करते हैं। और यही कह रहे हैं कि जो आपने बातचीत हुई हमारी IG साहब से, उसने कहा तुम तुम्हारे संभालो, हम हमारे संभाले, हमारा भी बपरतापूर्वक लाठीचार्ज किया उसकी हम मतलब जो है की निंदा करते हैं। और यही कह रहे हैं कि जो आपने बातचीत हुई हमारी IG साहब से, उसने कहा तुम तुम्हारे संभालो, हम हमारे संभाले, हमारा भी भाई 15-20 आदमियां कर लागे। पहली बार दुनिया के इतिहास के अंदर किसान के ऊपर किसान के पुत्रों द्वारा लाठियां बरसवाई गई,
और वो किसान पुत्र नहीं थे, पुलिस के कर्मचारी नहीं थे, वो आरएसएस के गुंडे थे, बीजेपी के गुंडे थे, जिन्होंने इस तरह से लाठीचार्ज करी जिस तरह यूपी के अंदर इसने योगी ने पहले करवाया था किसानों के ऊपर। हम साफ कह देना चाहते हैं, बता देंगे आज कि ये उच्छेद कंडे कट्टर साहब नहीं चलेंगे। ये राणा, हमारी आज ये मांग है कि एसएसपी राणा के ऊपर जो डीआईजी बन गया रखे कर भाई ओलदार से थानेदार बन गया, ओलदारी की नौकरी क्यों करा जियो, ये आप लोगों को समझना होगा, इस हिसार जिले के लोगों को समझना होगा। हम बता देना चाहते हैं कि ये ज्यादा दिन और ज्यादा नहीं चलेगा। इसके ऊपर 307 का मुकदमा दर्ज हो एसएसपी राणा के ऊपर, और धोखाधड़ी का मुकदमा डीआईजी के ऊपर हो, और हमारे जिन बहनों के चोटे लगी आज भी जिंदगी और मौत से ये अपने मैयर के अंदर ढेरी के अंदर जाकर देखो आप, आज भी जिंदगी और मौत से हमारी 10 बहने लड़ाई लड़ी है, इन्होंने इस बेरहमी से पीटा। पुलिस का कर्मचारी किसान पुत्र है, मजदूर का पुत्र है, वो ऐसा काम आज तक नहीं किया। यार सच्चे गुंडे द्वारा राणा के नेतृत्व में किसानों पर हमला हुआ, इसकी निंदा करने के लिए और ये बताने के लिए कि अगर राणा को गिरफ्तार नहीं किया तो किसान कहीं तक भी जा सकता है। अगर किसानों की मांग नहीं मानी जाती तो उसके बाद किसानों का क्या रुख रहेगा? किसानों का रुख ये यहाँ तो बड़ा विशाल प्रदर्शन करते हैं, उसके बाद हम मीटिंग करेंगे और अगले आंदोलन की घोषणा करेंगे। मैं अकेला घोषणा नहीं कर सकता, मैं एक साधारण कार्यकर्ता हूँ। तो घेराव की बात आपने की है? घेराव नहीं करेंगे हम, किसी का घेराव नहीं, हमारा प्रदर्शन है, विरोध प्रदर्शन है। जो आप लोग झूठ बोले थे, झूठे वायदे करे थे, हमारे पर लाठी चार्ज कर हमारे पर मुकदमे बनाए, ये गलत, इसका विरोध कर रहा है हिसार का किसान, हिसार कभी से नहीं निकाल। तो लघु सचिवालय तक जाएंगे कि नहीं जाएंगे? जाएंगे जनाब, हर हालत में जाएंगे, प्रदर्शन रहेगा। हाँ जी।